विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस प्रकार से हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है वही हम घूम फिर के आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का खाने में इंटरेस्ट है तो समझो यो तीर्थ यात्रा के लिए गया, तो वहाँ जाने के बाद कौन से विचार उसके मन में प्रधान रहेंगे कि वहाँ जाकर के खाने को क्या मिलेगा। गया तीर्थ यात्रा के लिए लेकिन विचार खाने के। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो अटैच्ड है बाथरूम को, कहीं भी जाना हो, तीर्थ यात्रा को जाना हो, यहाँ कहीं पिकनिक के लिए जाना हो, जंगल में जाना हो, तो जाने के पहले विचार आएगा कि वहाँ अटैच बाथरूम है या नहीं। माने जिस वस्तु को हमने ज़्यादा महत्व दिया है उस वस्तु को हम कहीं भी चले जाए जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके फिर भगवान के पास आ जाते हैं। हमारे प्रताप भाई है और वो अच्छे संत है। एक बार उन्होंने हमको कहा, हमारा भाईदास में भगवद गीता पर कोई प्रवचन चल रहा था, बोले स्वामी जी हमको एक बात समझ में नहीं आती। हमने कहा कोई बात नहीं। बोले बात ये है कि कोई भी अध्याय हो, कोई भी विषय हो, कुछ भी हो, आप घुमा फिरा करके मौज में रो पर ले आते हो, इसका कारण क्या है? तुमने कहा ठीक है अगले बार दुख में रहो ऐसा ले आएंगे। अपने जीवन में महात्म्य किसको है इस पर विचार की धारा बनती है। जैसे अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं शास्त्रों में कि जिसका विचार करने से मन में भ्रांति हो जाएगी। जैसे एक प्रसंग आया था अभी कि ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को निर्माण किया और फिर उसी के बारे में उनके मन में काम वासना जागृत हो गई, ये प्रसंग आया। अब इसको लेकर के हम कैसा विचार करते हैं ये अपना स्वातंत्र है। उसी प्रकार से हमारे भगवान रामचंद्र जी ने वाली को पेड़ के आड़ में छुप करके मारा, इसको लेकर के फिर हम विचार कर सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आज मुझे किसी ने पूछा कि पितामह भीष्म ने कौरवों का साथ क्यों दिया। अब ये जितने प्रश्न हैं ना, इन प्रश्नों का उत्तर हम दो प्रकार से दे सकते हैं। एक प्रकार से ये सिद्ध करेंगे कि वाली अच्छा था और राम बुरे थे, और दूसरी प्रकार से विचार करेंगे राम अच्छे थे और वाली बुरा था। उसी प्रकार से ये विचार करेंगे भीष्माचार्य खराब थे इसीलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया, और ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि भीष्माचार्य भगवान के भक्त थे इसीलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया। क्योंकि जब कौरवों के साथ रहेंगे तो अपोजिट हो जाएंगे ना, तो भगवान का दर्शन ठीक से होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भगवान के विरोधी होकर खड़े रहेंगे तो भगवान का दर्शन करने में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, वहाँ वो आईना लगाने की जरूरत नहीं, देखे भगवान पीछे है कि नहीं गाड़ी के जैसा नहीं। ये सब का तात्पर्य ये है कि जगत के किसी भी चीज का आप चिंतन करो तो आपको शांति और समाधान नहीं मिलेगा, ये सिद्धांत। जीवन में शांति और समाधान यदि चाहिए तो उसका चिंतन करें कि जो शांति का समुद्र है और समाधान का अधिष्ठान, और वो है केवल अपना स्वरूप। इसलिए जगत के किसी भी चीज़ को लेकर के इस चक्कर में ना पड़े कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, और जब पढ़ते हैं हम तो उसको महात्मा लोग उत्तर देते हैं
हम जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? भगवान की इच्छा। देखो, इच्छा भी भगवान के साथ जोड़ दो तो एक न भक्त बन जाते। तो यहाँ विदुर जी महाराज ने जब सुना हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया है, तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों में झगड़ा होने का कारण क्या है? भगवान तो किसी के विरोधी नहीं है, तो इसलिए आप ये बताइए कि दोनों में झगड़ा क्यों हुआ और फिर उन्होंने क्यों मारा। तो आज अगले 3-4 अध्यायों में ये हिरण्याक्ष का जन्म, उसका वध, इसकी कथा है। और आज भगवान की इच्छा होगी तो हम पूरा करने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने कहा, मैत्रेय जी ने, कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो प्रश्न हमको भगवान के साथ जोड़ता है उसको योग कहते हैं, जो अनुभव हमको भगवान के साथ जोड़ता है उसको योग कहते हैं, जो दुख हमको भगवान के साथ जोड़ता है वो दुख योग है, जो विषाद हमको भगवान के साथ जोड़ता है वो विषाद योग है, जो हानि हमको भगवान के साथ जोड़ती है वह हानि योग है। तात्पर्य, किसी भी प्रकार से हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, एकमात्र विचार, बाकी सब अविचार है। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि उत्तान पाद का एक पुत्र था ध्रुव, उसने बचपन में ही भगवान की उपासना करी और उसके कारण वो मृत्यु को आगे टाल के चला गया। उसी समय वराह कल्प की बात है, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, तो इसके बारे में ब्रह्मा जी से पूछा गया था देवों के द्वारा कि ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया, क्यों ऐसा परेशान करता है और क्यों भगवान को अवतार लेकर के इसको मारना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुमको दे रहा हूँ। ये भी बात हमने आपको कल परसों बताई थी, विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 3, एक के अंदर एक खिड़कियाँ, झरोके से झाँकते जाओ। अच्छा महाराज, इसके पीछे क्या तात्पर्य है, क्या कारण है? कारण ये है कि इस जगत में कोई भी प्रश्न नया नहीं है और इस जगत में कोई भी उत्तर नया नहीं है, इस जगत में कोई भी समस्या नई नहीं है और इस जगत में कोई भी समाधान नया नहीं है। यथा पूर्वम अकल्पयत, ये नित्य निरंतर ऐसे ही चलते आ रहा है, इसमें कोई नावीन्य नहीं है। अब जैसे देखो, कितने बच्चे पैदा होते और कितने बड़े होते, अच्छे बुरे, और कितने मर जाते, ये तो सृष्टि में अनंत काल से चल रहा है। लेकिन जब अपने बच्चे पैदा होने की बात आती है तो उसमें कितना उसका भौवा बन जाता है। तो जिसके साथ परिच्छिन्नता के साथ हम जोड़ लेते हैं वही से संसार है, और परिच्छिन्नता से हम अपने को अलग कर ले तो भगवान की लीला है। तो हमको ये अपने संसार से हट करके भगवान की लीला में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सत्संग। अच्छा महाराज, उन्होंने क्या बताया ब्रह्मा जी ने देवताओं को, तो सुनो हे विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति, दक्ष की अनेक कन्याएं थी, उसमें से एक थी दिति। दिति माने दिति खंडने, जो खंड करती है, वो भेद निर्माण करती है, जो अलग अलगाव निर्माण करती है, उसको कहते हैं दैत्य। दिति के जो पुत्र है उसको दैत्य कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने विचारों को लेकर के किसी भी प्रकार के भेद का निर्माण करते हैं उनको दैत्य कहा गया है। उदाहरण दे दीजिए, अपने राजनीतिज्ञ अनेक प्रकार के कारण ढूंढ करके समाज में फूट गिराना और उसके साथ इस समाज का सत्यानाश कर, एकता की बात नहीं होगी। सिर्फ बेचारे पंडित जी को बुला करके, भीमसेन जोशी को बुला करके कहेंगे कि सब कुछ एक है, सूर्य एक है, रंग एक है, नदियाँ एक है, उतना एडवर्टाइजमेंट के लिए ठीक है, लेकिन बाकी फिर जब आ जाता है तो वही धूमधड़ाका नारायण। अच्छा महाराज, तो ये दिति के जो
दक्ष की जो पुत्रियाँ थी, कन्याएं थी, दिति, तो उस दिति ने एक बार उनके जो पति थे कश्यप जी उनके पास गई, शाम का समय था, और वो दितिर दाक्षायणी क्षत्तम आरिचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचकमे संध्यायाम हृदयार्दिता। उनके मन में अपने पति के प्रति काम वासना, भोग वासना इतनी जबरदस्त हो गई, और वो समय था संध्या का, और उस समय कश्यप जी क्या कर रहे थे, वो संध्या के समय में अग्निहोत्र कर रहे थे, अग्नि को आहुतियाँ डाल रहे थे, क्योंकि जो संध्या समय होता है, शाम का जो संध्या समय होता है, उसमें हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन या अच्छी बातें करने का विधान शास्त्रों में इसलिए है कि उस समय सभी जो नीच योनियाँ होती है, भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, ये सभी के सभी विचरण करते रहते हैं उस समय में, और उस समय में जाकर के हम भोग इत्यादि में लगेंगे तो उनका प्रभाव हमारे बच्चों पर होता है और उसके कारण संतान गलत निर्माण होती है, आगे जाके बताएंगे। तो इसीलिए जो संध्या समय है, संध्या समय में कभी भी किसी भी भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना फर्स्ट शो का टाइम है संध्या का ही टाइम, वहाँ जा करके भोग में लग जाए। अच्छा, तो इस प्रकार से वो शाम के सूर्यास्त के समय में अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे थे, तो उस समय दिति ने जाकर के अपने पति से कहा, एष माम तत्कृते विद्वम काम आत्तशरासन दुनोति दीनाम विक्रम्य रंभा विवमतंगज। हे विद्वन, हे पतिदेव, इस समय मेरे हृदय में इतनी जबरदस्त काम वासना हो गई है कि उसने मेरे पूरे देह को मसल डाला है, जैसे एक हाथी जाकर के केले के वन में जाकर उसको मसल देता है, उस प्रकार से मेरा पूरा देह मन एकदम बेचैन हो उठा है। इसीलिए हम आपसे पुत्र कामना की इच्छा करते हैं, और फिर अपना इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए वो आगे प्रस्तुत करते हैं कि मेरी जो दूसरी सौते हैं, माने इसकी जो बहनें हैं, उनको देख करके मुझे और जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि मेरी अभी कोई संतान नहीं है, और जिस पत्नी को अपने ही गर्भ में पति रूप से जब पुत्र उत्पन्न होता है तो ऐसी पत्नी पति की प्यारी होती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी ये इच्छा पूरी करो। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी दक्ष प्रजापति बड़े ही हमसे प्रेम करने वाले थे, उन्होंने हम सब कन्याओं को आकर के पूछा कि देखो तुम किसको पति बनाना चाहती हो, तो सभी ने हमने विचार किया और हमारे 13 बहनें मैं पकड़ करे सभी के सभी आपके साथ ब्याह दी गई, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ये कामना पूरी करो। देखो, यह जो पुत्र प्राप्ति की कामना जो है पति से करना, ये कोई पाप नहीं है, अन्य से करना ये पाप है, लेकिन पति से भी ये कामना करना अयोग्य समय में ये पाप है। हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है, और इसीलिए उन्होंने जब इस प्रकार से बात कही तो विदुर जी को बताते हैं मैत्री जी महाराज कि इति ताम वीरम आरीचहा कृपणाम बहुभाषिणीम प्रत्याहानुयन्वाचाम प्रवृद्धान अंगकश्मलाम। और उनको इतना सब कहने के बाद वो इतनी हीन दीन होकर के बोलने रही थी, उस समय कश्यप जी ने उनसे कुछ कहा, कहा कि देखो मैं तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरा करूँगा, क्योंकि तुम मेरी भार्या हो और मेरे साथ धर्म, अर्थ, काम, इन तीन पुरुषार्थों में हमेशा रहती हो, और पत्नी को यदि पति सुख नहीं देगा तो पति किस काम का, इसीलिए जो भी कोई अच्छा समझदार पति है वो अपने पत्नी की इच्छाएं को पूर्ण करता है, लेकिन तुम एक बात समझो, कहते हैं कि अथापि काममेतं ते प्रजात्यैकरणा करवाण्यलम यथा माम नाति वोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय। तुम्हारी जो इच्छा है वो धर्म के अनुसार है, लेकिन एक बात समझो, इस समय
का जो समय है वो समय इस कार्य के लिए ठीक नहीं, और इसीलिए ये काम इस समय नहीं करना चाहिए। ये संध्या काल का जो मुहूर्त है उसको जाने दो, उसके बाद हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इस समय जो अत्यंत राक्षस घोर जीव होते हैं वो हमारे शिव जी के जो भूत गण इत्यादि है ये घूमते रहते हैं, और ऐसे समय जो शिव जी भी अपने वृषभ वाहन पर रह करके शाम के समय में घूमते हैं, तो ऐसे समय में यह भोग करना यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके द्वारा गलतियाँ होती है और बहुत अनर्थ होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इतना सब उनको समझाने के बाद भी जब व्यक्ति काम के द्वारा पीड़ित हो जाता है तो सभी के सभी विचार और जो ज्ञान है विजडम है वो एकदम नष्ट प्राय सा हो जाता है। इसीलिए पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है वय सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तहा स सुखी न रहा। जो व्यक्ति अपने हृदय में उठने वाले काम और क्रोध इसके आवेग को रोक सकता है वही मनुष्य है, वही सुखी है, अन्यथा हम अपना ही बर्बादी कर लेते हैं। इतना सब समझाने के बाद भी अब देखो कहाँ तक व्यक्ति की हद पहुँच जाती है। मैत्रेय उवाच कहते हैं, सैवम संवेदिते भर्त्रा मन्मथो मन मतितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षि वृषलीव गतत्रपा। इतना सब उसके पति ने कश्यप जी ने समझाया और इसके बाद भी यह दीति इतनी कामातुर हो गई थी कि उन्होंने अपने पति के कपड़ों को खींच लिया, और कपड़ों को जब खींच लिया तो उस समय उन्होंने कश्यप जी ने देखा कि अब इसमें कोई भी दूसरा चारा है ही नहीं, पता नहीं भगवान की क्या लीला है, इसके ऊपर में ऐसा काम का आवेग क्यों आ गया है, और इसीलिए उन्होंने एकांत में पत्नी के साथ समागम किया। उसके बाद स्नान संध्या कर करके फिर अपने ध्यान इत्यादि में लग गए। ये सब होने के बाद फिर दिति को अपने ही किए की लज्जा आने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब पति ने समझाया था क्या मैं इतना समय नहीं रुक सकती थी। और उसके बाद वो अपने पति से बोलने लग गई कि हे भगवान, आपने मुझे समझाया था लेकिन समझ में नहीं आया, और आपने ये भी बताया था कि इस समय शिव जी अपने भूत गणों के साथ घूमते हैं तो कहीं वो मेरा अमंगल ना कर दे, और मैं तो बहुत ही घबरा गई हूँ, अब इसीलिए आप कुछ करिए और इनसे मुझे बचाइए। शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों भाई भाई है, इसीलिए शिव जी हो गए उनके देवर, तो मैं अपने देवर जी से प्रार्थना करूंगी कि ये हमें ज़्यादा परेशान न करें। इस प्रकार से होने के बाद मैत्री जी कहते हैं कि अपनी पत्नी को ऐसा भगवान की प्रार्थना करते हुए देख करके घबराते हुए देखा तो कश्यप जी ने कहा कि देखो अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान मुहूर्त का दुख मन्नी देशाधिचारेण देवानाम चाति हेलना। तुमने इस समय जो मेरे से काम करवाया उसका कारण तुम्हारा चित्त काम वासना से अत्यंत मलिन हो गया था, उस समय समय भी ठीक नहीं था, और सबसे महत्व की बात है तुमने मेरी बात को माना नहीं, और चौथी जो भगवान के सिद्धांत है शास्त्रों के सिद्धांत है ईश्वरों का जो आदर करना चाहिए इसका तुमने अपमान किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि हे अचंडी हे भयंकर स्त्री, तुमने ये जो काम किया है ये बहुत अमंगल है, इसलिए तुम्हारे कोख से दो भयानक राक्षस दैत्य पैदा होंगे। अपने ही पत्नी को उन्होंने ऐसा बता दिया और वो इतने अधम हो गए कि सभी को परेशान करेंगे, अनेक लोगों पर अत्याचार करेंगे, निरपराध लोगों को मारेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होगा, महात्माओं को क्षुब्ध करेंगे। इस प्रकार से ये इस पूर्ण सृष्टि में एक परेशानी निर्माण करने वाले अपत्य पैदा होंगे, और उनको मारने के लिए भगवान को स्वयं का अवतार लेना पड़ेगा और फिर वो नष्ट हो जाएंगे। ये जब दिति ने सुना तो कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है,
कि मेरे पुत्र को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मरने के स्थान पर भगवान के द्वारा मरा जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार से कश्यप जी आगे कहते हैं कि देखो तुमने गलत कार्य किया है, लेकिन तुम में अच्छी बात क्या है, इसको कहते साधु संतों का लक्ष्य। किसी के गलती को देख करके उसका तिरस्कार करना ये स्वाभाविक बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ कश्यप जी कहते हैं कि तुमने भले गलत कार्य किया हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी कृत शोकानुतापेन सद्या प्रत्यम वर्षनार, लेकिन तुमने अपने हृदय में पश्चाताप किया है और तुम्हारे मन में मेरे प्रति, विष्णु भगवान के प्रति और शिव जी के प्रति आदर है, और इसीलिए तुमको तुम्हारे जो दो पुत्र होंगे उनमें से एक को चार बच्चे होंगे और उसमें से एक भगवान का बड़ा श्रेष्ठ भक्त होगा, और वो इतना श्रेष्ठ भक्त होगा कि पूरे दैत्य कुल का उद्धार उसके कारण हो जाएगा। इस प्रकार से दैत्य कुल में प्रह्लाद जी का जन्म हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से महान भक्त होगा, भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा और जिसके स्मरण से सभी लोगों के दुख नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसे जो तुम्हारे पौत्र होगा उसको भगवान का निश्चित दर्शन होगा। इस प्रकार से मैत्रेय जी ने कथा सुनाई हमारे विदुर जी को इसके बारे में। और ये जब ऐसा सुना दीति ने कि अपने पुत्रों का वध भगवान के द्वारा स्वयं होगा और अपने पौत्रों में एक पौत्र भगवान का बड़ा श्रेष्ठ भक्त होगा, तो उनको उसमें तसल्ली हो गई। अब इस सब प्रसंग की एक बात समझ करके आगे चले। गलतियां सबके द्वारा होती है, ऐसा एक भी नहीं है व्यक्ति कि जिसने गलतियां नहीं करी। गलतियां होने के बाद हमारी क्या भावना होनी चाहिए, यदि हम गलती करने वाले हैं और यदि दूसरा गलती करने वाला है तो हमारी उसके साथ क्या भावना होनी चाहिए, इन दोनों बातों को सीखना है हमको। अपने द्वारा गलती होने के बाद यदि सिंसियरली पश्चाताप होता है तो व्यक्ति का उस पश्चाताप के कारण अंतकरण पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए बुरा ही होता है, ये संभव नहीं है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा या सद्गुण ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, प्रकृति की नहीं है। तो यदि हमारे द्वारा कोई अच्छी बुरी बात हो गई है तो कोई बात नहीं, प्रायश्चित करें, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसका त्याग करें और अपने आप को प्रायश्चित्त के द्वारा पवित्र करा लें। प्रायश्चित्त का तात्पर्य क्या है, चित्त को तपा करके उसमें जो दोष है उसको निकाल देना। जैसे अपने शिरडी बाबा के पोथी में आता है, एक उनके भगत थे, उसने कहा था कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं मिठाई बांटूंगा, लेकिन गरीब होने के कारण मिठाई नहीं बांट सका, उनके दर्शन को नहीं जा सका। तो उसने उसी समय कर लिया निश्चय कि जब तक मैं बाबा का दर्शन नहीं करूंगा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, और उसने चाय भी बिना चीनी की पीना शुरू कर दिया। और ऐसा करके 2-4-6 साल के बाद जब मौका आया दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनको बाबा ने कहा कि जाओ खूब चीनी डाल करके खूब चाय पियो, मैंने सब समझ लिया है। तो हमारे द्वारा यदि गलती होती है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रायश्चित्त के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करा। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित्त क्या है, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना। अभी कल परसों की बात है, बड़ा आनंद है। एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी कम से कम 15 साल हो गए हमारे मन में ये आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, और उसके कारण जो जो वस्तु मुझे बहुत प्यारी थी उसका मैंने त्याग करना शुरू कर दिया। पहले बोले मैं ड्रिंक करता था, ड्रिंक का त्याग कर दिया। उसके बाद फिर मैं मांस मछली खाता था, उसका त्याग कर दिया। उसके बाद फिर मैं अंडे वंडे खाता था, उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार से धीरे 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 कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम आपकी मिसेज से बात करने वाले थे किस चीज़ की, कि आपके पति देव आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपने कहा ना
कि मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारी वस्तु है उसका मैं त्याग करता हूँ और अभी तक आपको छोड़ा नहीं। इसका सिंपल तात्पर्य ये है कि आपसे वो प्यार नहीं करते। तो प्रायश्चित्त के द्वारा अपने अंतकरण को उसने पवित्र किया। दूसरी बात, जिसका हमने अपराध किया होता है उसके प्रति हमारी भगवत बुद्धि जागृत होवे। जिसके प्रति हमारा हमारे द्वारा अपराध होता है उसके प्रति समर्पण जागृत होवे, तब जाकर के हम अपने इस गलतियों के रोग से, पाप से अपने आप को निवारण करेंगे, जो दीति ने किया था। दूसरी बात, यदि दूसरा व्यक्ति कोई ऐसे गलत कार्य करता है तो हमारा क्या रूप होना चाहिए, हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए? हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हमको दूसरे के अच्छाई बुराई को देख करके सर्टिफिकेट देने के लिए किसी ने नियुक्त नहीं किया। हमको दूसरे में कुछ देखना ही है तो अच्छाई देखें। देखो यहाँ कश्यप जी ने अपने पत्नी के द्वारा ये सब होने के बाद भी उसने उन्होंने कहा कि देखो तुम में अच्छाई ये है कि अभी भी तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति, भगवान विष्णु के प्रति और शिव जी के प्रति आदर है, प्रेम है और तुमको अपने बुरे किए का पछतावा हो रहा है। इसी को कहते हैं साधु संत। तो हमारे द्वारा हमारा कोई किसी ने कैसा भी अपमान किया हो, कुछ भी किया हो, फिर भी अपने अंतकरण में किसी के भी प्रति कभी भी दुर्भावना न निर्माण होवे। देखो पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हम चाहे भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, अविकम्प योगी हो, विषाद योगी हो, जो मर्जी आए नाम लगा लो, कोई भी योगी हो, तो उसका प्रयोजन क्या है? एक ही प्रयोजन है, अंतकरण की शुद्धि। हम जाकर के महात्माओं के पास, भगवान के पास सब कुछ मांगते हैं, दुनिया की बात मांगते हैं। महात्माओं को कहते महात्मा जी भगवान के दर्शन कराओ, लेकिन ये कभी नहीं मांगते कि भगवान हमारा हृदय ऐसा शुद्ध पवित्र हो जाए कि हमको अपने हृदय में किसी के भी प्रति दुर्भावना न होवे। हमने आपको एक बार बताया था, आपको याद नहीं होगा तो अच्छी बात है, कि हम जब भी जाते हैं हमारे शिरडी के बाबा के पास मंदिर में, जब वो बुलाते हैं तब, तो एक ही चीज़ हमने आज तक वहाँ मांगी, वो यही है कि भगवान हमारे हृदय में जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति के प्रति मजाक में भी दुर्भावना या द्वेष निर्माण न हो। जिस हृदय में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है उस हृदय में परमात्मा का अवतरण नहीं होता, क्योंकि भगवान नारायण रहते हैं बद्रीनाथ में। कल उनका पट खुल गया, कल अक्षय तृतीया थी तो वहाँ भगवान नारायण का पट खुल गया है, तो वो भी ठंडे जगह में रहते हैं और भोले बाबा तो कैलाश में रहते हैं। इसीलिए उस परमात्मा को हृदय में उतारना है तो मन को शांत पवित्र रखो। ये दो बातें इस प्रसंग से हमको सीखनी है। लेकिन जो उल्टा विचार करने वाले होते हैं वो कैसा सीखेंगे, ये भी देख ही ले एक बार। ये सब अपने विचारों का चक्कर है। हम किसी भी घटना को लेकर के किस प्रकार से विचार करते हैं इसके अनुसार पता चलता है कि हमारी क्या पोजीशन है लाइफ में, जगत के बारे में या अपने बारे में। तो कैसा उल्टा विचार है? उल्टा विचार ऐसा है, यदि दिति के द्वारा जो कश्यप जी की पत्नी है, ऐसा हो सकता है काम के प्रवेग में, आवेग में आकर के, तो हमारे द्वारा हुआ तो कौन सी गलत बात है? देखो माने हम अपने गलतियों का समर्थन कर रहे हैं, वो विचार थोड़ी है, वो अविचार है, और इसके द्वारा हम परमात्मा से दूर जाएंगे। इसलिए जो सद्विचार होते हैं, जो सद्भावना होती है, जो सद्गुण होते हैं, जो सद आचार होता है, जो सत्जन होते हैं, उनका जीवन ऐसा है कि जिसके द्वारा वो सद वस्तु के प्राप्ति के लिए ही हमेशा लगे रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से 14वां अध्याय पूरा हुआ, अब पंचम अध्याय, 15वें अध्याय में, पंचदश अध्याय में कथा जारी रहती है। मैत्री जी कहते हैं दीदी को
ये लगा कि अब मेरे जो बच्चे हो जाएंगे तो सभी देवताओं को कष्ट देंगे, बड़ी मुश्किल करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पति का जो वीर्य था, जिसके तेज के कारण सभी लोगों में परेशानी होगी, तो अनेक वर्षों तक, 100 वर्षों तक उन्होंने अपने ही गर्भ में उन बच्चों को रखा, वीर्य को रखा, उनको बाहर नहीं आने दिया। और उस समय जैसे जैसे वो गर्भ बढ़ता गया और उनके पेट में रहा, तो उसके तेज से चारों तरफ जितने भी देवता लोग थे वो मानो हतबल होने लग गए। हतबल होना माने क्या? जैसे अभी हमारे चेहरे पर प्रकाश है, और समझो प्रकाश नहीं होता और छोटी सी तिली होती है या मोमबत्ती होती है, तो उसका भी प्रकाश हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखता। लेकिन यदि एकदम हाई पावर का बल्ब लगा देने के बाद फिर उस मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो एकदम डिम हो जाएगा। कारण क्या है कि दूसरा तेज पुंज प्रकाश आ गया है। उसी प्रकार से यह कश्यप जी का वीर्य जब इस दिति के गर्भ में बढ़ रहा था पुत्रों के रूप में, तो उनका तपस्या का दिव्य तेज होने के कारण उसके सामने देवताओं का तेज अपने आप कम होने लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने गर्भ में उनको रखा कई साल तक। उस समय देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमको पता नहीं ये सब जगह अंधेरा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उनका अपना तेज समाप्त हो रहा था। तो उन्होंने भगवान को नमस्कार किया कि आप तो सभी कुछ जानते हैं और आपने ही ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी रूप धारण किया रजोगुण स्वीकार करके, तो हम आपको नमस्कार करते हैं। और यह जो संपूर्ण जगत में इतना भयानक तेज फैल रहा है, जिसके कारण सभी जगह में अंधकार माने देवताओं की शक्ति नष्ट हो रही है, तो हम आपके शरण आ गए हैं और आप हमको बताइए कि हम क्या करें, हमारे रक्षा कीजिए। ऐसा जब कहा तो मैत्री जी कहते हैं कि देखिए देवता की जो प्रार्थना सुनी तो ब्रह्मा जी हंस पड़े और उन्होंने आनंदित वाणी से बताया। देखो जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तर देने वाला नित्य निरंतर प्रसन्न और आनंदमय होना चाहिए, ये भी एक अभ्यास की बात है। कई लोग बोलते नहीं, भोंकते हैं। समझो कोई आया तो पूछा, भाई कैसे हो, कहाँ से आए हो, ठीक तो है, क्यों आया। व्हाई डू वी बार्क? भगवान ने हमको मनुष्य की वाणी दी है तो प्यार से बात कर सकते। तो यहाँ मैत्री जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब ऐसा प्रश्न सुना देवों से, देवताओं से, तो प्रसन्न होकर के प्रसन्न चित्त से वो बोल रहे थे। अब ध्यान से सुनना, एक बार की बात है, हम कहीं कार्य में ऐसे फंस गए थे कि जो विषय हमको लेना था भगवद गीता का, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल की ज़्यादा ही, तो उस समय हमारा इतना पूरा मालूम भी नहीं था और देख देख करके बोलना पड़ता था क्योंकि सभी शब्दों भी ठीक मालूम नहीं थे। तो उस समय पहले हम बड़ी प्रिपरेशन करते थे, प्रिपरेशन करने के बाद फिर उसके बाद प्रवचन होता था। प्रारंभिक अवस्था में सभी का ऐसा ही होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ हम कहीं फंस गए और ऐसे फंसे कि पढ़ाई विढ़ाई तो छोड़ो, शाम का स्नान भी हम नहीं कर पाए। हम दिन में 2 बार स्नान निश्चित कर दे किसी भी हालत में, तो शाम का स्नान भी नहीं कर पाए और डायरेक्टली जा करके स्टेज पर हमको लेक्चर देने के लिए शुरू करना पड़ा। और उस समय हमने ऐसे असहाय हो गए थे कि अब हम क्या बोलेंगे। और उस समय हमने भगवान को कहा, भगवान लाज हमारी, अब हमको पता नहीं हम क्या बोलेंगे। और एकदम अपने आप को भगवान का स्मरण करके हमने कहा जो होगा बढ़िया होगा। और उसके बाद हमको पहला अपने जीवन का अनुभव आया कि जहाँ हम प्रसन्नता से और प्रभु को समर्पण करके कोई कार्य प्रारंभ करो तो उसमें कभी भी थकावट नहीं आती। देखो हमने आपको कल परसों 3 सिद्धांत बताए थे, प्रयत्न होना चाहिए, प्रयत्न के साथ समर्पण होना चाहिए, समर्पण के साथ ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए।
प्रयत्न करना अपने हाथ में है, समर्पण करना कुछ कुछ अपने हाथ में है, लेकिन ये दो बातें जीवन की सफलता के लिए पूर्ण नहीं है। पूर्णता आती है भगवान के अनुग्रह से, और भगवान किस पर अनुग्रह करेंगे इसका नियम बनाने वाले हम नहीं होते। यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, जब वो निश्चय करेंगे कि इसका हमको उद्धार करना है तब हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार से यह ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न वाणी से बोलने लगे कि देखो सुनो देवताओं, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे जो पूर्वज थे मानस पुत्र मेरे, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार वे आकाश मार्ग से वैकुंठ पहुंच गए। अब हमको एक एक श्लोक हम नहीं बताएंगे, इन शॉर्ट बताएंगे। एक बार वो ऐसे ही घूमते घूमते आकाश मार्ग से वैकुंठ पहुंच गए, और यह वैकुंठ धाम जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ ऐसा धाम है कि जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती, किसी प्रकार की उर्मियाँ तकलीफ नहीं देती। उर्मी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं षड उर्मियाँ। छह उर्मियाँ के कारण हम मर्त्य लोक में हैं। दो उर्मियाँ होती है स्थूल देहों को लेकर के, जिस एक है जरा बुढ़ापा और मृत्यु। तो ये दो उर्मियाँ स्थूल देह को लेकर के है, और प्राणमय कोश को लेकर के और दो उर्मियाँ होती है, वो है भूख और प्यास। और अपने मन को लेकर के दो उर्मियाँ होती है, जो है शोक और मोह या सुख दुख। तो ये जो छह उर्मियाँ है, तो मृत्यु लोक में रहने वाले इन छह उर्मियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो वैकुंठ धाम वो है कि जहाँ इन उर्मियों का कहीं भी प्रभाव नहीं है, यह षड उर्मी रहित स्थान है, इसीलिए इसको वैकुंठ कहते हैं। तो इस वैकुंठ में किसी भी प्रकार की कामनाएं हमको परेशान नहीं करती। और दूसरी महत्व की बात है, इस वैकुंठ लोक में भेद का प्रतिपादन नहीं होता, भेद का समर्थन नहीं होता, और भेद की बात नहीं होती। कारण क्या? परमात्मा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा समत्व रूप है, वहाँ भेद का पूर्ण अभाव है। ऐसा जो स्थान है उसको कहते भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक। तो ऐसे वैकुंठ लोक में हमारे ये चार भगवान के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज गए, और फिर वहाँ वैकुंठ का वर्णन आता है, बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ का जो रूप देखा वैकुंठ का, उसमें दो विशेष बातें देखी। एक बात यह है कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी जी की विशेषता यह है कि वो अत्यंत चंचल है। इसीलिए लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ कहीं घूमने जाती है तो उस कार का नाम है गरुड़ कार। और जब लक्ष्मी जी अकेली घूमने जाती है पति को बिना साथ में लिए, तब उस लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो है उल्लू। उल्लू माने मराठी में जिसको घुबड़ कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको औल कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल लक्ष्मी को साथ लेकर के घूमते हैं, नारायण भगवान को दूर रखते हैं, तो लक्ष्मी जी उनको उल्लू बनाती, इसका दाद। अच्छा महाराज, तो ये इतनी चंचल लक्ष्मी जी भी जाकर के वैकुंठ लोक में एकदम अचल निश्चल हो जाती है। और दूसरी बात, कितनी ही प्रकार की काम वासनाएं हो, ये वैकुंठ में जाकर के व्यक्ति को परेशान नहीं करती। तो ऐसे वैकुंठ स्थान में यह हमारे दो चार मानस पुत्र ब्रह्मा जी के पहुँच गए, और इसीलिए अपने ही हृदय में वैकुंठ का निर्माण करने का तात्पर्य है, जब हमारा मन इन पैसों को लेकर के भिखारी नहीं बनेगा और काम के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, तो हमारा ही अंतःकरण वैकुंठ लोक हो जाएगा। क्योंकि वैकुंठ लोक में अर्थ और काम इन दोनों का प्रभाव नहीं रहता। अच्छा महाराज, उसके बाद
वहाँ के सौंदर्य का बड़ा खूब विस्तार से वर्णन किया है और वहाँ के देवता लोग कहते हैं कि ये सभी यहाँ कुछ है, लेकिन ये किसको मिलता है स्थान? जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भगवान की आराधना करी है और उसके बाद उनको इस वैकुंठ लोक में आने का मौका मिलता है। अन्यथा इस जगत में आकर भी हम यदि केवल भोग में ही लगे रहे तो भगवान के इस वैकुंठ लोक का गमन हमारे द्वारा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा, धर्म के द्वारा हम इसका गमन कर सकते हैं। और हमारे जो चार पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ये वहाँ पहुँचे अपने योग शक्ति के बल से। प्रत्येक मार्ग का महात्म्य भागवत पुराण में बताया गया है। भक्ति का भी महात्म्य है, कर्म का भी महात्म्य है, धर्म का भी है, योग का भी है और ज्ञान का भी है। ये अपने मन में कभी विचार नहीं लाना कि हम तो वेदांती हैं इसीलिए बाकी लोगों से जरा 30 मार्का है, ये बात गलत है। हमारे जीवन में सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अच्छा, जब ये शरद कुमार आदि चार बंधु पहुँचे तो उन्होंने वैकुंठ धाम की 6 दरवाजे बड़े बड़े उनको क्रॉस करके चले गए और जब 7वें दरवाजे के सामने आए, जो अंतिम दरवाजा था, ये 7 दरवाजों का वर्णन आता है हमारे पंचदशी में, उसमें ये 7 आवरण बताते हैं जीवों के। इन 7 आवरणों के परे जा कर के हमको निरंकुशा तृप्ति मिलती है। तो पहले तो है अविद्या, उसके बाद होती है अस्मिता, फिर राग द्वेष मोह, उसके बाद होता है परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर दुख निवृत्ति और 7वां होता है निरंकुशा तृप्ति। तो निरंकुशा तृप्ति जहाँ प्राप्त होती है वो है भगवान का वैकुंठ धाम। तो इस वैकुंठ धाम में पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद जब 7वें दरवाजे के पास, माने निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति का तात्पर्य है कि जहाँ कारण रहित आनंद की अनुभूति है वो वैकुंठ धाम की आखिरी मंजिल है। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके अपना सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर जा ही रहे थे तो वहाँ दरवाजे के पास 2 वॉचमैन थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम विजय था। उन्होंने देखा और उनको बड़ा गुस्सा आया, ये कहाँ से आ रहे और टपक पड़े और बिना मुझे पूछे जा रहे। माने उनके जाने का दुख नहीं था, मुझे पूछा नहीं इसका दुख। देखो हर जगह में जहाँ भी दुख का कारण होता है ना, दुख का कारण यही कि मुझे क्यों नहीं पूछा। तुम करो कुछ भी करो लेकिन मुझे बताया करो, क्योंकि मैं महत्व का हूँ। जब तक ये मैं नहीं खुश होता तब तक ये कुछ नहीं। यहाँ भी वैकुंठ में जाकर भी ऐसी बात हो रही थी तो उनका वर्णन आता है कि तान विक्ष वात रशांश चातुर कुमारान, ये जो चतुर कुमारों को देखा तो उनका वर्णन क्या है कि ये ब्रह्मा जी के आद्य मानस पुत्र है इसलिए सबसे बड़े होने चाहिए, लेकिन ये नित्य निरंतर दिगंबर वृत्ति से रहते। दिगंबर माने दिक, माने दिशा, अंबर माने कपड़ा, दिशा ही जिनके कपड़े हैं, माने जो नंगे हैं, कहने का स्टाइल बड़ा बढ़िया है। तो दिगंबर वृत्ति से रहने वाले ये जो है ये हमेशा उनकी उम्र 5 साल की ही रहती है, क्योंकि वो अभी काल के प्रभाव में नहीं आते। तो ऐसे दिगंबर वृत्ति से रहने वाले इनको जब देखा कि ये बिना किसी को पूछे सीधा अपने अंदर घुसे जा रहे हैं तो इन दोनों को बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद वे उनको रोक दिए और पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से जब उनको रोका तो ये 4 मुनिगण उन्होंने उनको डांटना शुरू कर दिया कि देखो तुम मालूम है क्या कर रहे हो कि तुमको इस स्थान में प्रवेश मिला है भगवान के पार्षद बनने का, इसका कारण तुमने भगवान की भक्ति करी थी और भगवान के प्रति समर्पण था, इसलिए तुमको यह भगवान के राज्य में आने का मौका मिला। लेकिन भगवान का जो एक गुण है समदर्शित्व, वो तुम में अभी नहीं है। यहाँ वैकुंठ में भी आकर के तुम ये बातें करे जा रहे हो, वो अपना है ये पराया है। जो अपने जीवन में मेरा और तेरा ये बात को लेकर के जीवन को चलाता है वो पाखंडी है, वो पापी है, वो भगवान का भक्त नहीं है। देखो
कितनी महत्व की बात है। किसी भी कारण से, किसी भी वस्तु व्यक्ति से अपने हृदय में दूसरेपन की भावना निर्माण हो गई तो हम वैकुंठ से नीचे गिर गए। इसीलिए पूरी भगवद गीता का जो सिद्धांत है वो इसी एक समत्व को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का मूल जो कारण है, रोग है, वो है ममता का रोग। इस ममता के रोग को हटाने के लिए एकमात्र दवाई है, पर वो है समता की दवाई। तो इस समता को प्राप्त करने के लिए ही हमको सब कुछ साधना करनी है, लेकिन इसको छोड़ करके हम केवल भेद का दर्शन करेंगे। और देखो, हमको भगवान ने बुद्धि नाम की वस्तु ऐसी दी है कि ये बुद्धि व्यभिचारी है। व्यभिचारी माने कैसी, कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से वो समर्थन देगी, उसमें विवेक नहीं होगा। तो जो व्यक्ति भेद की बात करते हैं वो ये जस्टिफाई करके दिखाएंगे कि ये भेद रखना कैसा योग्य है, कैसा अच्छा है। लेकिन हमारे शास्त्र स्पष्ट बताते हैं, यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। जिसके हृदय में भेद की भावना का एक अंश मात्र भी हो तो उसने अपने जीवन में भय को ही ललकारा है। और ऐसे जो व्यक्ति हमेशा डरते डरते जीवन जीते हैं। देखो भैया, एक बात समझ लो, चाहे आप ज्ञान का मार्ग चलाओ, चाहे आप कर्म मार्ग से चलो, चाहे आप योग मार्ग से चलो, चाहे आप भक्ति के मार्ग से चलो, लेकिन डर डर के कुछ मत करो। जो आदमी डरपोक है, नायमात्मा डरपोके न लभ्यः। हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति है, जिसके हृदय में डर बैठा हुआ है वो डर डर के जाता है भगवान के मंदिर में। जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना परीक्षा के दिनों में स्टूडेंट्स, वो भगवान की भक्ति से थोड़ी जाते हैं, वो डर डर के जाते हैं पता नहीं क्या होगा। या इलेक्शन के समय में सभी अपने संत महात्मा लोग जब जाते हैं महात्माओं के पास मंदिरों में, वो भक्ति के लिए थोड़ी जाते हैं, डर डर के जाते हैं। तो जितने भी अंगूठियां पहनते हैं ये भगवान की भक्ति की थोड़ी होती है। इसका डर कहीं शनि ना चढ़ बैठे, कहीं मंगल ना आ बैठे, इतने ग्रहों का डर है। लेकिन सबसे भयानक ग्रह जो दुराग्रह है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। नारायण, अच्छा महाराज, इन्होंने उनको डांटना शुरू कर दिया कि तुम भगवान के यहाँ रहते हो, तुम्हारा रूप भी भगवान के जैसा है। वैकुंठ में सभी का एक ही यूनिफॉर्म होता है, भगवान नारायण का, और वहाँ रहने वाले जितने भी पार्षद हैं वो सारूप्य मुक्ति कहते हैं उनको, उनका भी रूप भगवान के जैसा ही होता है। तुम भगवान के समान ही हो, लेकिन तुम समदर्शी नहीं हो, और तुम में ये विषमता कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? इस पर ऐसा लगता है कि तुम कपटी हो। जो व्यक्ति स्वयं कपटी होता है वही दूसरों पर शंका करता है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। अपने हृदय में यदि पाप भरा होगा तो इस जगत में कभी भी हमको सौंदर्य का दर्शन नहीं होगा। तो ये कहने के बाद कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत भगवान के ही उदर में स्थित है, और इसीलिए यहाँ किसी भी प्रकार का भेद हो ही नहीं सकता। और यह भेद तुम जो कर रहे हैं, ये भेद ही पूरे जीवन में भय निर्माण करने का कारण होता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद हो चुकी है, तुमने भेद निर्माण किया कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, भगवान कौन है। और इसी भेद के कारण अब हम तुमको पवित्र करने के लिए विचार कर रहे हैं कि तुम्हारी धुनाई कैसी करी जाए। ये भी सिद्धांत समझ लो, अपने जीवन में जितने दुख के प्रसंग आते हैं वो प्रत्येक दुख का प्रसंग हमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं आता। अपने केवल इस विचार को पकड़ लो पक्का। जैसे हम अपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए देते हैं तो उसको कपड़ों को परेशान करने के लिए नहीं देते, उनको फिर पहनने के लायक बनाने के लिए देते हैं।
उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी बुरे प्रसंग आते हैं, कष्ट आते हैं, मान अपमान के प्रसंग आते हैं, तो उसका मूल तात्पर्य ये है कि भगवान हमको इतना पवित्र बनाना चाहते हैं ताकि हमारे माध्यम से वो अपना काम करवा ले। देखो महाराज, इसीलिए कभी भी ये बात मत समझ लेना कि हमारे जीवन में यदि कोई दुख का प्रसंग आता है, किसी ने हम पर गलत इंजाम लगाया है, हमारी हानि करी है, हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है, तो कभी भी इसका लेकर के दुख नहीं करना। समझ लेना कि अभी अपने अंतकरण में जो पाप है, उस पाप का क्षय करने के लिए भगवान की ये लीला चल रही है। हमने शायद आपको एक बार बताया था, एक हमारी बूढ़ी अम्मा थी, मारवाड़ी अम्मा, कहाँ उड़ीसा में गई थी, और बड़ी दिव्य, बिल्कुल अनपढ़ थी, और उसका बच्चा जब कॉलेज पढ़ चुका था, उन लोगों में जल्दी शादी हो जाती है, मारवाड़ी लोगों में शादी जल्दी होती है क्योंकि उनको मालूम है जीवन का अर्थ क्या है, और बाकी के लोग बुढ़ापे में जाकर के शादी करते, 35 हो गए, 40 हो गए, विशेष करके ये जो पढ़े लिखे होते हैं वो, क्योंकि उनको देखना है कि पत्नी कमाएगी कितनी, इसी पर उनका ध्यान है। नारायण, अच्छा महाराज, तो उनके लड़का हुआ, लड़के की पढ़ाई हो गई और लड़का कॉलेज में चला गया। अब ये घर में अकेली, बड़ी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने फिर मैट्रिकुलेशन किया प्राइवेट बैठ करके, बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसके बाद एमबीए किया, 8-10 साल में, माने जब तक वो 40 साल के हो गए, 45 साल के, तब तक उन्होंने ये सब डिग्रियाँ हासिल कर ली, बच्चा अपना बिजनेस शुरू करने के बाद, और उसके बाद फिर वो बिजनेस में लग गई, और उनका बिजनेस ऐसा जबरदस्त हुआ, तो उनकी हर साल की जो टर्नओवर था वो करोड़ों में चला गया, और जितना भी उनको कमाती थी वो सभी समाज की सेवा में लगाती थी, और ऐसा करते करते बुढ़ापा आ गया, और हमारे लेक्चर वो हमेशा आती थी, हमसे बड़ा प्रेम, अब पता नहीं कहाँ है वो। तो एक बार वो नहीं आई तो हमने उनके बारे में पूछा, कहाँ है वो, हमारी अम्मा बोले समझ वो बीमार है, हम उनको मिलने गए, तो उनकी ऐसी स्थिति थी, बिस्तर पर लेटी हुई है और उनके साथ में नौकरानी सोती थी, और उनको यदि दर्द होता है हाथ को तो नौकरानी को कहती थी, अब मेरे ये हाथ को पेट से हटाओ, पेट पर भी दर्द हो रहा, हाथ पर भी दर्द हो रहा, ये उनकी कंडीशन, एक कोई विचित्र प्रकार का गाउट होता है, पता नहीं कौन सा है, तो उसके कारण उनके सभी जोड़ जो है वो उसमें बड़ा दर्द, कुछ नहीं कर सकती थी, रोती थी। जब हम गए उनसे मिलने तो हा हा हू हो गया, बोले स्वामी जी आप बड़े हा हू करते हो, मुझसे करवाओ। ने क्या हुआ, क्या तुमको बताओ तो सही। बोले आपको तो मेरा जीवन मालूम है, मुझे ये ऐसा क्यों हुआ। तो हमने कहा हा हा हू करने के लिए तैयार हो गया कि रोने के लिए तैयार हो, पहले निश्चय कर लो तुमको करना क्या है, रोना है तो मैं आपको और रुला के जाऊंगा, और यदि हंसना है तो हंसा के जाऊंगा। बोले बताओ क्या करूँ, हमको हंसना है। हमने कहा देखो अम्मा, जितने भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो सब अपने पाप का क्षय होता है, और जितने हमारे जीवन में आराम के समय आते हैं वो सब हमारे पुण्य का क्षय होता है। जैसे आप ढाबे में जाकर के खटिया को खींच करके उसमें बैठ करके खाना खाओ तो उसमें पैसे बचेंगे ना, और यदि आप जाकर के किसी 5-स्टार होटल में जाकर के वहां भी जाकर के पानी पूरी खाओ तो कितना पैसा निकल जाएगा जेब से। तो जितने कंफर्ट्स हमारे जीवन में आते हैं उसके द्वारा पुण्य का क्षय होता है, और जितने कष्ट आते हैं उसके द्वारा पाप का क्षय होता है। फिर हमने उनको बताया, माँ देखो भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन के जो पिछले जन्म के पाप है वो तुमको इस बुढ़ापे में भुगतवा करके तुमको पाप से पूरा मुक्ति देना है, फिर अगले जन्म में जाना या नहीं जाना ये चक्कर ही तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा, इसीलिए अगला जन्म लेकर के जवानी में भी यदि ये सब रोग आने लग जाए तो वो कोई जीवन है। तो ये अच्छी बात है कि बुढ़ापे में भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं, जो थोड़े बड़े पाप है वो भी धुल के निकल जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगे भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए। जब हमने उनको बताया उनके चेहरे पर वो तेज आया कि स्वामी जी मजा आ गया,
देखो अपने विचार कैसे हैं, इससे हम निश्चित करते हैं कि हम वैकुंठ में हैं कि हम बंबई में। ये हमारे स्वयं की विचार की धारा है। अच्छा महाराज, तो इस प्रकार से जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे कल्याण करने के लिए ही हम तुमको शाप देंगे, तो अपने जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वो हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं, उसमें अच्छाई देखने का जिसने प्रयत्न किया उसको प्रभु के दर्शन होंगे। अब एक दो उदाहरण ले लो, बुराई का समय आने के बाद हमारे जीवन में कैसा उद्धार होता है, ये उदाहरण हमने दिया है कई बार। एक उदाहरण है हमारे तुलसीदास जी महाराज, उनको अपने पत्नी के द्वारा विडंबना सहनी पड़ी। जब वो पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा कि तुम इतने पागल हो करके मेरे इस हड्डी मांस के देह के पास आते हो, इतने ही पागल हो करके यदि भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो तुमको भगवान राम के स्वयं दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी बात पति के लिए पत्नी के द्वारा कहने के बाद कितनी अपमानजनक होगी, लेकिन ये बात आज तक कितनी पत्नियों ने कितने पतियों को कही है, लेकिन कितने तुलसीदास बन गए, बने हैं मेनली देवदास, तुलसीदास कोई नहीं बना। इसलिए महाराज अपने हृदय के जो कष्ट है उसी के द्वारा हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तो प्रत्येक जीवन का जो दुख का प्रसंग है समझ लेना वो भगवान का स्पेशल कॉल है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि जैसे किसी बच्चे को खूब गंदा लग गया हो तो माँ उसको पानी से धुलाती है, साबुन लगाती है, उस समय वो बच्चा रोता है, एक लगा देती उसी में, लेकिन ये करते समय उसकी भावना क्या है कि बच्चे का उद्धार हो, साफ सुथरा हो। उसी प्रकार से जब हमारे अंतकरण में अनेक जन्मों के संस्कार एकदम ऑयल पॉइंट्स के जैसे लगे हुए हैं तो उनको निकलने के लिए भगवान बड़े प्रेम से अपने उंगलियों को सैंड पेपर लपेट करके हमको रगड़ते हैं धीरे धीरे, ताकि वो दाग निकल जावे। इसलिए हमारे कल्याण के लिए ही अपने जीवन में दुख आते हैं, ये इस प्रसंग का मूल कारण है। चाहे हम भगवान के पार्षद बन के रहे लेकिन फिर भी हमारे हृदय में ये भेद भावना रही तो भगवान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। चाहे हम अनेक प्रकार के सत्संग करते रहे, हमने तो कई महात्माओं को सुन के रख दिया, चैलेंज है सभी महात्माओं को आकर के कोई हमको सुधार के दिखावे, नारायण। तो इतना सत्संग करने के बाद भी यदि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, हृदय से ये भेद की भावना का विष नष्ट नहीं हो रहा है, तो हमने आध्यात्मिक साधना की सत्संग किया है ये हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए बहुत महत्व की बात यही है। एक जो क्रिश्चियन लोगों का जोक आता है ना सेंट पीटर को लेकर के, हमने कहीं जोक पढ़ा इसको, एक बार ये सेंट पीटर और एक ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, दोनों मर के चले गए। वहाँ गैब्रियल ने कहा कि इनको जाने दो नरक में और ड्राइवर को जाने दो स्वर्ग में। तो उसने कहा कि ऐसा कैसा, मैं तो रोज़ सर्विस कराता था चर्च में जा कर के और ये तो कभी किया ही नहीं, तो उसको आप कैसे भेज रहे हैं, मैंने तो आपका प्रचार किया है। तो भगवान कहते हैं वहाँ के, देखो तुम जब प्रचार करते थे मेरे नाम का इत्यादि तो कौन सुनता था तुम्हारी, लेकिन जब ये गाड़ी चलाता था सभी के सभी मेरा स्मरण इतना सिंसियरली करते थे, इसीलिए जितने लोगों को इसने मेरे पास लाया है तुमने नहीं लाया है। इसी प्रकार से हम कितने बार सत्संग करें लेकिन यदि अपने हृदय में यह समत्व की सिद्धि नहीं हुई तो हमने सत्संग का नाटक किया है। हम आपको बताएं ये समत्व की सिद्धि का उदाहरण,
आप हमारे वृंदावन में चले जाओ। आप हमारे वृंदावन, वो आपका है क्या? हाँ जी हमारा है। तो वृंदावन में चले जाओ, वहाँ हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है। वहाँ एक नृत्य गोपाल भगवान कृष्ण का मंदिर है और वहाँ सभी संत महात्माओं के चित्र लगे हुए हैं। उसमें द्वैती, अद्वैती, विशिष्ट अद्वैती, पुष्टि मार्ग, उसके बाद आर्य समाजी, एक भी संप्रदाय का वहाँ अनादर नहीं है। हमको उनके लिखाण में जो सबसे बढ़िया बात लगी वो यही है, उन्होंने कभी भी किसी भी संप्रदाय को गलत है करके नहीं बताया। यहाँ तक के कि जो चार्वाक संप्रदाय है, चार्वाक माने एब्सोल्यूट मटेरियलिस्ट, चारुवाक उसको कहते, चार्वाक, चारु माने अच्छी, वाक माने बोलना, जो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बाय वन टेक टू, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द चार्वाक पीपल। तो उनके बारे में भी जब हमने उनके लिखाण में पढ़ा तो उन्होंने पक्का सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के जीवन में चार्वाक का सिद्धांत भी होना आवश्यक है। यदि चार्वाक का सिद्धांत नहीं होगा तो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करेगा। देखो, यह जो समत्व की दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है, उसी ने हमारे मुंडकोपनिषद के इस मंत्र का समर्थन किया है। मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिसने तत्व को जाना है वो किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं करता, अतिवादी नहीं होता। अतिवादी माने इंसिस्टेंस, जिसमें है वो अतिवादी, जिसमें किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं है, वही तत्व को जानता है। तो ऐसे वैकुंठ में रहने के बाद भी तुम में ये भेद की भावना है, विषमता है, और इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए हमने निश्चय कर लिया है कि अब तुमको इस वैकुंठ लोक से निकाल करके किसी पाप में योनि में जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हारी ये भेद की भावना है इसका पूरा पूरा नाश हो जाएगा। और इसीलिए जय विजय दैत्य के रूप में पैदा हुए, और पहला इनका अवतार हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। इसीलिए उनमें इतनी शक्ति थी, इतना बल था। अच्छा महाराज, जब इस प्रकार से इन चारों भाइयों ने शाप दे दिया दोनों को, तब ये पार्षद ठिकाने पर आ गए और फिर उनको डर लगा कि अरे बाप रे, ये ब्राह्मणों ने हमको इस प्रकार से शाप दे दिया है। तो उनके चरणों पर लेटे और हम तो आपके अपराधी हैं, हमने जो की किया है आपने उसके लिए योग्य ही दंड दिया है, लेकिन आप हमारी एक और प्रार्थना सुन लो कि हमको जहाँ भी भेजना है, जिस भी पाप योनि में भेजना है भेजिए, लेकिन एक हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन प्रभु चरणों में हमेशा बना रहे। उन्होंने उस दंड को स्वीकार किया और स्वीकृति के साथ साथ ये वरदान भी मांग लिया। ऐसी जब बात दरवाजे पर हो रही थी तो उसकी खटखटाहट विष्णु भगवान के पास पहुंच गई। नारायण भगवान देख रहे, आज गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ तो हमेशा शांति होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या? तो वो बाहर देखने को आ गए। तो जब देखने को आए तो उन्होंने देखा कि ये चार ऋषि आ गए हैं। तो तुरंत वहाँ ऋषियों ने उनको नमस्कार किया और सभी के सभी ये चारों भाई अत्यंत प्रसन्न हो गए। और फिर उसके बाद भगवान का अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ आता है। भगवान का ऐसा सुंदर वर्णन है कि उनकी आंखें, उनके नाक, उनका देह, उनका वो जो नीले आकाश का रंग और उनके वस्त्र आभूषण सभी चैतन्य में प्रकाश में। और इस प्रकार से भगवान वहाँ आए और आने के बाद सभी सनकादिक ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने आगे बताया कि देखिए, आप तो सभी के हृदय में रहने वाले हो और हमने ब्रह्मा जी से, माने हमारे पिताजी से, आपके रूप का, गुणों का वर्णन सुना, तो हम अपने में नहीं रह पाए क्योंकि आपका रूप, आपके गुण, आपकी कथा इतनी लुभावनी है कि हमने सब चीज़ों को छोड़ करके हम
आपके पास आ गए, वैसे तो हम आत्मज्ञानी हैं, लेकिन आपका हम प्रत्यक्षता से दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए हम आपके पास चल के आए। और हमने जो आपके पार्षदों को श्राप दिया है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, उसके कारण यदि हमारे से कोई गलती हो गई हो तो आप हमको श्राप दे दीजिए, चाहे किसी भी योनि में भेज दीजिए, लेकिन एक ही मांगते हैं कि कहीं भी जावे हमको आपका विस्मरण न होवे। इस प्रकार से इन्होंने भी भगवान का दर्शन किया और अपनी प्रार्थना करी। उस समय ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं देवताओं को, तो कहते हैं देवगणों, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार से स्तुति करी भगवान की, तो भगवान ने कहा, अब यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान ने कहा ये इतना सुंदर और श्रेष्ठ विचार, कहते हैं कि देखिए ये जो जय विजय है मेरे पार्षद, इन्होंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, और आप तो मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्तों का जो अपराध करता है वो तो केवल दंड देने योग्य ही है, और आपने जो इनको दंड दिया है वो सब ठीक ही किया है, क्योंकि जो मेरे भक्तों का तिरस्कार करते हैं वो ही दंड के अधिकारी हैं। और उसके बाद मैं भी अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ, कारण क्या, कहते हैं कि जब नौकर कोई गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए मालिक को। वो तो कितना बड़ा सिद्धांत है। यदि ये सिद्धांत हमने आपको कल परसों बताया था, बिरला जी के जीवन का है, जी डी बिरला का, उन्होंने उनको पूछा गया था कि आप इतना सब बढ़िया कैसे चलाते हो, कहाँ से इन लोगों को ढूंढ के निकालते हो, तो कहते हैं हम जब ढूंढ के निकालते हैं तो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि यदि वो सफल हो गया तो हमारी सिलेक्शन ठीक है, यदि वो गलत हो गया हम उसको नहीं कोसते, हम अपने सिलेक्शन को कोसते। इसलिए भगवान कहते हैं कि सेवकों ने यदि अपराध किया तो उसके साथ स्वामी का नाम अपने आप लिया जाता है। जैसे किसी लड़के ने अपराध किया तो पहले पूछा जाता है ये किसका लड़का है, तो अपने आप पिताजी या उसके कुल का नाम लगा जाता है। इसलिए इस वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, इसीलिए इसका नाम वैकुंठ है, और ये अत्यंत पवित्र कीर्ति का स्थान मुझे प्राप्त हुआ है केवल आप लोगों के ही कारण, क्योंकि भगवान के भक्ति का यश गाने वाले साधु संत ब्राह्मण ही होते हैं, और उन्हीं के कारण मुझे ये सब स्थान प्राप्त हुआ है, नहीं तो मुझे कौन पहचानता, कौन जानता। माने भगवान के कीर्ति का या यश फैलाने वाला यदि कोई है तो यही साधु संत, जिनको यहाँ ब्राह्मण इत्यादि शब्दों से कहा गया है। और यदि ऐसे ब्राह्मणों का माने भक्तों का साधु संतों का कोई भी अपमान करे तो उसको नष्ट ही करना चाहिए, चाहे मेरी ही हाथ आपका अपमान क्यों न करे तो उन हाथों को भी काट देना चाहिए। इस बताने के बाद फिर कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है वही मेरे लिए सब कुछ है। हमारे तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इस प्रसंग को उन्होंने विस्तार से बताया है, और उसको लेकर के कई लोगों के मन में यही चक्कर है। जैसे दो विचार हम आपको बताएंगे, ये सभी के सभी ग्रंथ ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए अपनी ही महिमा का गान करा करके लोगों से अपना आदर करवा लेते हैं, एक तो टीका ये आती है, और गुरु संतों पर दूसरी टीका आती है, ये लोग कहते हैं कि गुरु की महिमा अपार है, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पावे, और खूब गुरु का गान करवा करा करके अपने भक्तों से अपनी पूजा करवा लेते हैं। देखो भैया, ऐसी बात नहीं है। समझना ये है कि भगवान के बारे में उनके गुण कीर्ति कथा का गान करने वाले जो है उन्हीं के कारण हमको भगवान के बारे में पता चलता है, इसीलिए उनके प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए। और ये सब बताने के बाद फिर कहते हैं कि आपने जो इनको श्राप दिया है वो ठीक ही होगा, लेकिन जैसा उनका वहाँ का ये पाप का प्रसंग खत्म हो जाएगा, ये अपने अपराध को भोग करके तुरंत ही मेरे वैकुंठ धाम को वापस लौट के आएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि
देवताओं से ब्रह्मा जी बोल रहे कि यह जो सनत कुमार जी इत्यादि थे उनको उस समय इन पार्षदों के व्यवहार से क्रोध आया था और उस क्रोध के कारण भगवान के इतने सुंदर सुंदर शब्द भी भले उन्हें सुना फिर भी उनमें तृप्ति नहीं आई, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। और फिर धीरे धीरे जब विचार करने लगे भगवान के वचनों पर, फिर उनका हृदय एकदम पुलकित होने लग गया। इसीलिए क्रोध को लेकर के जब हम सत्संग को बैठते हैं तब हमारे मन में सत्संग का आनंद नहीं आ सकता। यदि अपने हृदय में सत्संग के आनंद को अनुभूत करना है तो हृदय के किसी भी प्रकार के कालुष्य को, जो क्रोध, ईर्ष्या, जलन, फ्रस्ट्रेशन, दुख इत्यादि के रूप में होता है, उसका त्याग करके ही सत्संग में आवे। एक आश्रम में लिखा हुआ था, जहाँ जूतों के साथ अपने अहंकार को छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करते। कितनी सुंदर बात है। अब जिसने लिखा था उसने किया कि नहीं पता नहीं, लिखने के लिए बड़ा अच्छा। अच्छा, उस समय ये सभी सनत कुमार आदि जो मुनि हैं उन्होंने भगवान से ऐसा कहा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि हमने आप पर अनुग्रह किया, हम आप पर क्या अनुग्रह करेंगे, क्योंकि आप ही तो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। और आप इस प्रकार से हैं कि लक्ष्मी जी के पीछे सब दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप उस लक्ष्मी के द्वारा सेवित हैं और ऐसे सबके जो भजनीय हैं, ऐसे आप ब्राह्मणों की जो चरण धूलि है उसको लेकर के अपने आप को पवित्र करते हैं, ये किस प्रकार की बात है, हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है। और इसीलिए सभी प्रकार के रजोगुण तमोगुण को हट करके जो धर्म के विरोधी हैं उनको नाश करके आप ही सभी ब्राह्मणों का रक्षण करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो सुरक्षित ब्राह्मण है वही आपके वेदों का, शास्त्रों का रक्षण करते हैं। तो इन द्वारपालों ने जो अपराध किया है इसके कारण चाहे आप उनको, हमने दिव्य शाप का आदर करो, चाहे उनको उस शाप करके यहाँ से हटा दो, हमको सब कुछ मंजूर है, हमका हमारा कोई विशेष दुराग्रह नहीं है। इस प्रकार से जब सब सनक आदि ऋषियों ने कहा तो भगवान ने कहा, जरा ध्यान से सुनो, अब ये भगवान के वचन है, ऐसे ही वचन आपको शिरडी बाबा के पोथी में मिलेंगे। एक बार कोई भगतगण वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के दर्शन के लिए राजमंड्री, आंध्र प्रदेश का स्थान है, गोदावरी के किनारे वहाँ गए थे। और वहाँ जब दर्शन करने गए तो उनको पता चला कि ये लोग शिरडी से आए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि देखो, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो किसी को नमस्कार नहीं कर सकता हूँ, शास्त्रों के अनुसार सन्यासी किसी को नमस्कार नहीं कर सकते, तो मैं तो नमस्कार नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ, तो वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, तो उनको ये जो नारियल है वो जाकर के उनको मेरे तरफ से भेंट के रूप में दे देना। उन्होंने वो ले लिया और लेने के बाद वो भगत जो है रास्ते में जब आ रहे थे तो किसी कारण से उनको भूख लगी, उन्होंने वो चूड़ा निकाला, मिर्ची थी, तो उसी नारियल को फोड़ करके उसमें डाल करके खा गए। भूख में आदमी सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद जब पहुँचे शिरडी बाबा के पास तब उनको पता चला कि जो नारियल प्रसाद का मिला था उसी को चबा गए। अब उनको हो रहा दुख, फिर उन्होंने कहा कि हमसे ये बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो पहले तो उनको डांटा और डांटने के बाद कहते हैं, बाबा देखो, तुमको वहाँ जाने का संकल्प मेरा ही था, उस यति से तुम मिलोगे ये भी संकल्प मेरा था, वो यति तुमको ये नारियल का फल देगा वो भी मेरा संकल्प था, तुमको भूख लगी, भूख के कारण तुम परेशान हो गए वो भी मेरा संकल्प था, और मेरे ही संकल्प से तुमने उस नारियल को फोड़ा है। इस जगत में सब कुछ केवल मेरे संकल्प से होता है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि तुम पुण्य करने वाले हो, तुम पाप करने वाले हो, इसीलिए तुम दुखी हो। देखो यही बात यहां दिखती है। कहते हैं भगवान कि देखो, आपने जो इनको शाप दिया है ना, यह शाप मेरी ही प्रेरणा से आपने इनको दिया है,
और इसका कारण बताते हैं कि ये जय विजय को शाप देने का कारण क्या है। इसका कारण ये कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान ने बताया, एक बार लक्ष्मी जी वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो यही दो जय विजय, इन दोनों ने लक्ष्मी जी को रोका। अब लक्ष्मी जी को रोकने के बाद नौकर ने वो शांत रहेगी और वो भी लक्ष्मी हो तब, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने जाकर के नारायण भगवान से कहा, इनको तुरंत निकाल डालो यहां से, मुझे नहीं पहचानते। यदि आपके समझो घर के ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो वो बोर्ड सबके लिए होता, अपने लिए थोड़ी होता है। कि अपने ही घर में बोर्ड लगाया रुके, आप अंदर क्यों नहीं आते, परमिशन नहीं है। अरे बाबा ये आपका घर है, आपने लगाया बोर्ड है। उसी प्रकार से आपके रखे गए नौकर आपको ही यदि रोकने लग जाए तो कैसी बात होगी। तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा पति को, इनको हटा डालो। तो नारायण भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हारी बात मान करके इनको हटा डालूंगा ना, तो लोग मुझे कहेंगे कि नारायण हैंडपेक्ड है, शब्दस्त्रैण है, वहाँ स्त्रैण शब्द, स्त्रैण माने जो पत्नी की बात में आकर के अपने जीवन को चलाता है उसको स्त्रैण कहते हैं। तो ये एकदम कायर है, अपने पत्नी के कहने से नौकरों को निकाल दिया तो लोगों में मेरी इज्जत घट जाएगी, इसीलिए तुम शांत रहो, मैं अपना बंदोबस्त करता हूँ। इसीलिए दूसरे बार जब ये सनक इत्यादि आए तो भगवान ने फिर उनको प्रेरणा दी कि फिर एक बार अपमान करो इनको, फिर तुमको अच्छा शाप मिलेगा और फिर तुम चले जाओगे, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। देखो इसलिए इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है भगवान के संकल्प से हो रहा है, इसको यदि आप स्वीकार करो तो दुखी नहीं होगे, लेकिन यदि इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। एक बार एक व्यक्ति ने हमको पत्र लिख के प्रश्न पूछा, स्वामी जी सभी चीज़ यदि भगवान की इच्छा से होती है तो जगत में हमने जो पाप किया है वो भी भगवान की इच्छा से होता है? हाँ होता है। तो फिर हम पापी क्यों हैं? तो हमने कहा आप पापी हैं कौन कह रहा है, भगवान कह रहे क्या? आप स्वयं ही कह रहे हो ना, भगवान ने तो किसी को पापी नहीं कहा है। तो यदि आप पाप करने के बाद आपके हृदय में पापीपने का जो फल व्याप्ति है वो जागृत हो जाती है तो आपने पाप करने में कर्तृत्वाभिमान को जागृत किया है। जिसके अंतकरण से कर्तृत्वाभिमान पूर्ण रूप से निकल गया है, 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं भगवद गीता के, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नहीं है, उसके बुद्धि में किसी भी प्रकार के राग द्वेष का लेप नहीं होता, ऐसे व्यक्ति ने कोई भी भयानक कर्म क्यों न किए हो हत्वापि इमान सर्वान लोकान, यदि वो सभी का नाश कर डाले फिर भी उसको पाप पुण्य नहीं लगता। माने पाप पुण्य की निर्मिति होती है केवल कर्तृत्वाभिमान के कारण। इसीलिए हम जब तक के अपने दिमाग में ये बात रखते हैं कि हमने अपने तरफ से प्रयत्न करके ये किया वो किया, तब तक के प्रयत्न करते रहो और दुखी रहो। एक बार ये बात समझ में आ जाए, इस जगत में हर चीज प्रभु की इच्छा से चल रही है। देखो कीनोपनिषद के प्रसंग में आता है कि जब ये देवताओं का विजय हो गया उसके बाद उनको बड़ा गर्व हो गया, हमने विजय किया हमने विजय किया, तो वहाँ परब्रह्म परमात्मा यक्ष का सुंदर रूप लेकर के उनके सामने उपस्थित होते हैं। फिर उनको लगता है ये कौन सामने आके टपक पड़ा हमारे जैसे लोगों के सामने, कौन न्योति सदृशो माया, ऐसे भाव से लेकर। तो वहाँ अग्नि देवता जाकर के पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो पूछने के पहले ही भगवान पूछते तुम कौन हो बताओ। ये तो ऐसा ही है, कई बार लोग फोन करते हैं, फोन करने के बाद प्रश्न पूछते हैं तुम कौन हो। तो हमको एक बार किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा, फोन किया हमने उठाया, हु आर यू, ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर कैसे कह सकते हैं। यू नो वन पिक्यूलियर थिंग, रॉन्ग नंबर इज नेवर एंगेज। तो
उन्होंने जाकर के जब पूछा भगवान यक्ष से, तो वही पूछते कि तुम कौन हो, तुमको मालूम नहीं मैं अग्नि हूँ, सबको जला के खाक कर देता हूँ, अच्छा इस घास को जला के दिखाओ। वो नहीं कर पाते। फिर वायु देवता को गुस्सा आता, मैं देखता हूँ कौन है, वो भी घास के पत्ती को नहीं हिला सकते। उसी को लेकर के हिंदी में कहावत है, भगवान की इच्छा के सिवा घास की पत्ती भी हिलती नहीं। इसके पीछे केनोपनिषद का सिद्धांत। यदि ये बात सत्य है तो हम में ये अभिमान कहाँ से आता, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। इसलिए भैया एक बात स्वीकार कर लो, अपने तरफ से प्लानिंग करना अपने हाथ में है, लेकिन उसको अप्रूव करना, ये कन्हैया लाल का जब तक के उस पर स्टैंप नहीं लगता, SV यादव उनकी जो ऑफिशियल सिग्नेचर है ना, वो कन्हैया लाल नहीं, वो SV यादव है, तब से यादवी चल रही। इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है मेरे ही संकल्प से हुआ है। तो फिर वो अपने उनको बताते हैं पार्षदों को, जाओ तुम्हारा सब कल्याण होगा, घबराओ मत, और तुम्हारे ब्रह्म तेज को कोई भी मिटा नहीं सकेगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। और जब ये दैत्य योनि में प्रवेश करने के लिए निकले वहाँ से, तो उनका जब दिति के गर्भ में प्रवेश हुआ, तब उस समय सभी देवता उस तेज को सह नहीं सके थे। इस प्रकार से यह जय विजय की कहानी का तात्पर्य है कि हम चाहे कितने भी सत्संग करें, हम चाहे कितने भी भगवान की पूजा पोथी करें, लेकिन हृदय में भेदभाव बना रहता है, और जब तक के भेदभाव बना रहेगा तब तक के हमारी साधना पूरी नहीं हुई, अभी उसमें बहुत बाकी है। एक बात बता करके फिर हम समाप्त तो करेंगे। जब हम किसी मंदिर के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, और उस मंदिर में जाते हैं, तो हमारा भाव भिन्न होता है। और यदि हम उसी मंदिर के ट्रस्टी होंगे, उसी मंदिर के मैनेजर होंगे, तो हमारा भाव भिन्न होगा। जब ट्रस्टी मैनेजर बन करके जाएंगे, तो भक्तों को लाइन में लगाते समय भगवान को भी बताएंगे, जरा ठीक से आशीर्वाद देना, भूलना मत, किसको देना है किसको नहीं देना, सबको एक जैसा मत देना, क्लासीफाई, क्लास 4 कौन है, क्लास 3 कौन है, क्लास 1 कौन है, और क्लास लेस कौन है। इसीलिए भगवान के पास रहकर भी यदि हमारे हृदय से यह भेद भावना समाप्त नहीं हुई, तो हमारा सत्संग व्यर्थ गया। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, अन्यथा हम अपने ही, जैसे एक कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा, जहाँ फेमिलियरिटी होती है देयर वी ब्रीड कंटेम्प्ट। हम साधु संतों को एकदम मनुष्य के जैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं, हम भगवान के उस दिव्य विग्रह को पत्थर के जैसी पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप देखे होंगे वो जो प्रोफेशनल पुजारी होते हैं, जब वो अर्चना करते हैं, पता नहीं कब खत्म होने वाला है, 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 अरे भगवान का नाम लो ना। एक बार हमारे स्वामी जी के उत्तरकाशी के आश्रम में हमने पादुका पूजा करी थी, तो एक सज्जन को हमने कहा, भाई आकर के तुम फूल चढ़ाओ। और वो हमको मालूम नहीं कौन सज्जन थे, कभी आए थे कैंप में, तो आकर के बैठे, और उन्होंने हर एक नाम के साथ ओम अजाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, हम एक एक मंत्र कहते थे, और वो इतना प्यार से और शुद्ध भाव से एक एक फूल रख रहे थे। और जब सब पूरी पूजा हो गई, और जब हमने देखा, तो उसको इतना सुंदर सजा के रखा था कि देखकर ही मन प्रसन्न हो जाए, एक एक फूल उन्होंने प्यार से स्वामी जी के पादुका पर रखा।
इसलिए कभी भी किसी भी हालत में नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अन्यथा हम अपने साधना से नीचे गिर जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।